सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस वीडियो में देख सकते हैं कि मेरे पास एक छोटी सी मटकी, इससे हम बनाएंगे बहुत ही कमाल की चीज़। और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि मेरे पास एक ये डीसी फैन, जो कि 12 वोल्ट का डीसी फैन है। ये कंप्यूटर के जो सीपीयू होता है उसका ये फैन है, 12 वोल्ट का देख सकते हैं, ब्रशलेस डीसी फैन है। ये आपको कंप्यूटर की हार्डवेयर की जो शॉप होती है वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगा, 20 या 30 रुपये का मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम इस प्रकार से फिक्स करना है, इसका हमें एक कूलर बनाना है छोटा सा। तो यहाँ पर सबसे पहले ये मार्कर है, इसकी सहायता से हम इसको मार्क कर लेते हैं। हमें किसमें एक विंडो टाइप की बनाना है यहाँ पर, इसको हमें कट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक छोटा सा होल दिया है, तो हम इसको इसी साइड इसको मार्क कर लेते हैं, फिर इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर गाइस मैंने इसको मार्क कर दिया है, अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस कि मैंने इसको कट कर लिया है, इसको मैंने आरी ब्लेड से कट किया है। तो अब चलिए जो ये हमारा जो फैन है इसको यहाँ पर हम इसको फिक्स कर लेते हैं। और ये देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर मैंने लिया है एपर मिट्टी का बॉल, तो इसको हम रखेंगे मटकी के नीचे ताकि ये जो मटकी है ये इधर उधर ना हिले, देख सकते हैं, क्योंकि ये डिसबैलेंस हो रही है, देख सकते हैं। तो अब इसका जो बैलेंस है फिक्स रहेगा। और अब ये जो फैन है गाइस, इसको हम फिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर गाइस मैं इसको ग्लू गन की सहायता से इसको चिपका देता हूँ। तो यहाँ पर जो है गाइस इसके चारों कोने हैं, यहाँ पर हम इसमें ग्लू गन लगा देते हैं जिससे अच्छे से फिक्स हो जाए, सेट हो जाए। इस प्रकार से हम चारों कोनों में लगा लेते हैं। तो फाइनली गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने इस फैन को अच्छे से फिक्स कर दिया है, यहाँ पर ये अच्छे तरीके से सेट हो गया है। और यहाँ पर जो ये विंडो है देख सकते हैं गाइस, यहाँ से ये जो है हवा पास करेगा जब ये हमारा फैन चलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको इसे चेक करके दिखा देता हूँ, और देख सकते हैं कि इसे हम ऊपर भी इस साइड से इसको घुमा सकते हैं और ये बिल्कुल भी डिसबैलेंस नहीं होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है मेरे पास एक 12 वोल्ट का अडैप्टर, देख सकते हैं। तो इसके द्वारा हम इसको चलाने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी जो वायर इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर गाइस इसका जो बड़ा वाला वायर इसका ये पॉजिटिव का है, तो इसको हमें रेड वाले वायर से कनेक्ट करना है। ये हमारा फैन का ये पॉजिटिव का वायर है, देख सकते हैं रेड वाला, और इसका ये छोटा वाला वायर है ये नेगेटिव का है। तो इसको जो है हम ब्लैक वाले वायर से कनेक्ट कर लेते हैं जो नेगेटिव का वायर है। और यहाँ पर देख सकते हैं गाइस कि मैंने ली है कुछ बर्फ, तो इसमें से कुछ बर्फ़ के जो पीसेस हैं वो मटकी के अंदर डाल देते हैं ताकि जो ये फैन है हमारा अच्छे तरीके से ठंडी ठंडी हवा दे और अच्छे तरीके से कूलिंग कर सके। तो यहाँ पर मैं इसमें से कुछ 7-8 पीस इसमें डाल देता हूँ मटकी के अंदर। तो ये देख सकते हैं गाइस कि मैंने इसमें बर्फ़ के पीसेस डाल दिए हैं। तो चलिए अब जो है मैं आपको इसे चेक करके दिखाता हूँ कि हमारा ये जो कूलर है किस तरीके से चलता है और किस तरीके से हवा देता है। तो जो अडेप्टर इसको हम सर्किट बोर्ड में लगा देते हैं। तो देख सकते हैं गाइस कि हमारा जो फैन है चालू हो गया, और देख सकते हैं गाइस कितने अच्छे तरीके से घूम रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्पीडली घूम रहा है, बहुत ही अच्छी ठंडी हवा दे रहा है गाइस। ओ गाइस बहुत ही ज़्यादा कूलिंग कर रहा है गाइस, इसको मैंने अपने फेस के सामने किया गाइस, तो ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मैं एसी के सामने आके बैठ जाऊँ गाइस। बहुत ही ज़्यादा चिल्ड चिल्ड हवा दे रहा है गाइस ये। अब इसे गाइस मैं ही महसूस कर पा रहा हूँ गाइस, अगर इसे आप भी बनाकर घर पर ट्राई करें तो आपको भी ऐसा ही लगेगा। अभी मैं आपको इसे इसकी हवा का प्रेशर दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं एक कागज़ ले लेता हूँ आपको, तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस कि कितने दूर तक हवा दे रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर कागज़ बिल्कुल दूर दूर तक उड़ रहा है। और गाइस आप लोग वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते यार, लाइक कर दिया करो, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है गाइस, बहुत ज़्यादा मेहनत, और लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड का समय लगता है। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से लाइक भी करो और ज़्यादा शेयर भी करो, आप लोग शेयर भी नहीं करते हो गाइस, कि गर्मी का सीज़न चल रहा है तो इन चीज़ों की सभी को आवश्यकता होती है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, ऐसे चले जाते हो छोड़कर, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में जो घंटी का बटन है उसको भी दबा देना ऑल करके।